किसने रची इजरायली पीएम की हत्या की साजिश? क्या लेबनान में सीरियल धमाकों से डर गया सीरिया? और परमाणु शक्तियों में टकराव की आशंका क्यों बढ़ गई है? जानने के लिए आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप। प्रॉक्सी गुटों पर एक्शन से बौखलाए ईरान ने नेतन्याहू, योव गैलेंट और शिन बेट डायरेक्टर रोनेन को मारने की साजिश रची थी। यह आरोप शिन बेट ने लगाया है। दावा है कि एक इजरायली कारोबारी के जरिए ईरान वारदात को अंजाम देने वाला था। लेबनान में सीरियल धमाकों से सीरिया में भी हड़कंप है। असद सरकार ने निर्देश जारी कर वायरलेस उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दिया है। सेना को भी पलटवार के लिए तैयार रहने के निर्देश। लेबनान में पेजर और फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से कई मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। तुर्की ने लेबनान में सिलसिलेवार धमाकों की निंदा की है और इजराइल पर क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एर्दोगन ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की शुरुआत को घातक बताया है। इजराइल से लेबनान के बढ़ते टकराव के बीच तुर्की ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बेरा कटार किजिलेलमा के प्रोटोटाइप का पहला टेकऑफ और लैंडिंग टेस्ट पूरा हुआ। तुर्की ने इस मानव रहित फाइटर जेट को बेहद घातक बताया है। ये 1.5 टन पेलोड के साथ 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यमन का तेईस इलाका आज भीषण विस्फोट से दहल गया। सूत्रों के मुताबिक होती के वेपन स्टोर में ऐसा धमाका हुआ कि उसमें रखे रॉकेट खुद ब खुद मिस फायर होकर फटने लगे। होती के सेंटर पर यूएस सेंट्रल कमांड के ड्रोन हमले की आशंका है। रोमानिया, लिथुआनिया और पोलैंड समेत नाटो के 9 देशों ने रूस को मिलकर जवाब देने की मांग की। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इन देशों ने रूस के खिलाफ एंटी मिसाइल मॉडल बनाने और रूस के एयर स्पेस उल्लंघन का जवाब देने की रणनीति बनाई है। पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे नाटो चीफ को क्रेमलिन ने चेतावनी दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर पुतिन की रेड लाइन की परवाह नहीं करना घातक होगा। रूस पर हमले का मतलब सर्वनाश तय है। पुतिन के न्यूक्लियर वार्निंग पर नाटो के बयान से टकराव की आशंका बढ़ गई है। यूएनएससी में रूस के प्रतिनिधि वसीली नेबेंजिया ने कहा कि अगर रूस पर नाटो की मिसाइलों से हमला हुआ तो डायरेक्ट वॉर की शुरुआत होगी। यूरोप और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिका को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका 2027 में चीन से युद्ध कर सकता है। अमेरिका शिप डिप्लॉयमेंट, नए सैन्य भर्ती और ड्रोन्स पर काम कर रहा है।